ये जो मतलब सुंदरता है ये इसका कोई बखान नहीं है, इसका कोई बखान है नहीं है। ये देखो ना, ये देखो कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही हो तुम। यहाँ पे कुछ कलश वगैरह रखे हुए हैं और उन्हीं की मूर्ति रखी हुई है। उत्तरी नहीं बेटा, ऐसे थोड़ी। हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून फ्रॉम बुमला पास। यहाँ तक पहुँचना मेरे लिए बहुत ही टफ है। तवांग से यहाँ तक की जो जर्नी है भाई साहब, अल्टीमेट है। और अभी का सीन ये है कि लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने देखा था बुमला पास के बारे में सब कुछ, और अभी यहाँ से बुमला पास तो अभी हम लोग जाएंगे माधुरी लेक, और माधुरी लेक से हम लोग जाएंगे फिर तवांग। तो एक्सप्लोरेशन बढ़ रहा है, व्लॉग इसीलिए थोड़ा थोड़ा छोटा छाटा और क्रिस्प आ रहा है। तो वेलकम बैक टू माई चैनल एम टी वी मदर, वेलकम बैक टू माई न्यू एपिसोड ऑफ विंटर नॉर्थ ईस्ट सीरीज। ये तो रहा बुमला पास, और 15,200 फीट की ऊंचाई पे हम लोग थे। अब यहाँ से निकलेंगे हम लोग माधुरी लेक होते हुए, फिर हम लोग जाएंगे तवांग। बहुत ही अच्छी सीरीज़, मज़ा आ रहा होगा आप लोगों को आई होप। तो चलो मिलते हैं। हम लोग थे बुमला पास पे, निकल चुके हैं बुमला पास से। बुमला पास को पास करते हुए हम पहुँचे के माधुरी लेक। बहुत ही अच्छा मौसम, ठंडी ठंडी हवाएं, हालत खराब हो गई है वैसे। टाइम हो रहा है 12:55, लेकिन यहाँ पे अगर थोड़ा सा आगे बॉर्डर के आसपास बढ़ोगे ना तो चाइना का टाइम ले लेता है। ये जो एक वॉर मेमोरियल बना हुआ है, जोगिंदर सिंह पीवीसी वॉर मेमोरियल, इनॉग्रेशन बाय सेंट्री कुलवंत कौर, डॉटर ऑफ लेट जोगिंदर सिंह। तो इनके बारे में भी कहानी बहुत ही मतलब कैसे बताएं यार, जो भी हम लोगों ने स्टोरी अभी सुनी है ये स्टोरी श्री लेट श्री जोगिंदर सिंह जो एक सोल्जर थे, वो अपनी 1962 में जो वॉर हुई थी तिब्बत को लेके, चाइना और इंडिया के बीच में जो भी वॉर हुआ था, उस वॉर में जोगिंदर सिंह ने बहुत ही अच्छा मतलब रोल अदा किया था, इसीलिए उनका एक वॉर मेमोरियल बना हुआ है। तो कहा जाता है कि वो ऐसे सोल्जर थे, अपने सीने पे 14 गोलियां खाने के बाद भी वो लड़ते रहे। एट द एंड चाइनीज आर्मी उनको उठा के लेके गई, 14 से 15 दिन तक पूछताछ करते रहे, और पूछताछ में उनको उन्होंने कुछ भी नहीं बताया, ना ही उन्होंने चाइना का कुछ भी खाना पीना, कुछ पानी पिया, कुछ भी नहीं। इस तरीके से रोल अदा किया था कि भाई जो स्टोरी हम लोगों ने सुनी है ना यार, वाकई में रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। एट द एंड जब वो एक्सपायर हुए तब वो यहाँ पे आए थे, फिर उनके परिवार वालों को भी पता चला, तो उनकी जो डॉटर है, ये वॉर मेमोरियल का जो इनॉग्रेशन हुआ था वो भी उनकी डॉटर के हाथों से ही हुआ था। ये एक गेट के अंदर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ कलश वगैरह रखे हुए हैं और उन्हीं की मूर्ति रखी हुई है। और पूरे अरुणाचल प्रदेश में पहले एक ऐसे सोल्जर थे जिनको परमवीर चक्र से नवाजा गया था। ऐसे ऐसे सोल्जर हैं यार, मतलब जिन्होंने अपने देश के लिए जान दी है। जय हिंद सर, थैंक यू सेफ रखने के लिए। चाइना सेना ने जब से उपद्रव फैलाना चालू किया है तब से इंडियन आर्मी ने फिर ठान लिया कि ऐसी रेजिमेंट को हम अपने बुमला पास के बॉर्डर पे भेजेंगे जिस पे कि चाइना वाले डरते हैं। तो इंडियन आर्मी ने सोचा कि हम भेजते हैं डोंगरा रेजिमेंट को, और डोंगरा रेजिमेंट में बहुत सारे सिख भी हैं, बहुत सारे मतलब हाइट वाले जो सोल्जर होते हैं बहुत ज़्यादा, उनको रखा जाता है डोंगरा रेजिमेंट में। तो इसीलिए वो लोग डरते बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि वो छोटे पड़ जाते हैं। तो सामने जो एक लाइन लिखी हुई है ये आप लोगों को यहाँ से दिखेगी नहीं, लेकिन लाइन पढ़ के मैं सुना सकता हूँ। ये लिखा है, निश्चय कर अपनी जीत कराऊँ। ये डोंगरा रेजिमेंट का एक फेमस और जोश भरा डायलॉग है। सो अरुणाचल प्रदेश का हाईएस्ट पीक, यहाँ पे भाई साहब टेम्परेचर जो होता है रात में -10, -11, -12 ऐसे ही रहता है, और कहीं कहीं बहुत ही ज़्यादा आप देख सकते हो यहाँ पे बिल्कुल बर्फ़ जमी हुई है इस तरीके से, और इतनी तेज धूप होने के बाद भी बर्फ़ पिघल नहीं रही है भाई। एक चीज़ और भी, ये देखो कितना ज़्यादा बर्फ़ है अभी, और ये 2 हफ्ते पहले स्नोफॉल हुआ था तब की बर्फ़ है ये जो जमी हुई है। इधर तो पूरी लेक ही जमी हुई है भाई। वी आर सो प्राउड ऑफ यू इंडियन आर्मी, आपकी वजह से ही
हम लोग अच्छे से रह पाते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे -10, -20, 30, 40 कहीं कहीं पे -80 भाई सियाचिन पे तो बहुत ही ज़्यादा हो जाता होगा। आई एम सो प्राउड ऑफ यू इंडियन आर्मी, जो इतनी माइनस टेम्परेचर में रह के हम लोगों को सिक्योर कर रहे हो। थैंक यू सो मच। बुमला पहाड़ों का दर्रा, क्या बात है यार। और वाकई में उत्तरी नहीं बेटा, ऐसे थोड़ी ऐसे गिर जाओगी क्या तुम, है साथ छोड़ दोगी हमारा। तवांग के रास्ते पे थे, लेकिन हम लोगों को जाना था माधुरी लेक, और यहाँ से तवांग लेफ्ट साइड में चला जाता 20 किलोमीटर, संगेस्तर लेक है 13 किलोमीटर, और नागुला लेक भी हम लोग देख चुके थे, जहाँ पर उन मैडम की पर्स हम लोगों को मिली थी, तो वो थी नागुला लेक। अभी यहाँ से हम लोग चलेंगे संगेस्तर लेक की तरफ। भोलेनाथ सबके साथ, हर हर महादेव। तो संगेस्तर लेक अगर आप आते हो सकता है कि 10-20 दिन में पूरी रोड बन के तैयार हो जाए, लेकिन अभी तो ऑफ रोडिंग हमें करनी पड़ रही है। ओ भाई, कहाँ जा रही हो तुम, अरे अरे अरे, हर हर महादेव, महादेव हर हर महादेव। पूरी रोड पर पत्थर बिछे हुए हैं यार, और ज़रा सा चूकोगे तो भाई सीधा नीचे। बाइक भी ऐसा लग रहा है सांप की तरह चल रही है यार, क्योंकि पत्थर बिछे हुए हैं। ओ भाई, बहुत ऑफ रोडिंग करनी पड़ेगी यार। ओहो नहीं मेरी जान, गिरना नहीं, तुमको कसम है मेरी, अगर ऐसे गिरोगे तो काम कैसे चलेगा यार। पूरी ही रोड पे तो पत्थर बिछे हुए हैं, तो भाई कैसे काम चले, चलना भी तो इसी पे है। ओहो, माधुरी लेक ने तो माधुरी दीक्षित की याद दिला दी, क्योंकि माधुरी लेक भी माधुरी दीक्षित के नाम पे ही पड़ा हुआ है। ओह, नाम पे ही पड़ा है यार। बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग हो जाएगी भाई ऊपर, क्योंकि अभी इसी रास्ते से हम लोगों को वापस आना भी है। तो ये देख सकते हो आप लोग, बंकर बने हुए हैं। ये 1962 में जो वार, ये 1962 वार में जो भी बंकर यूज़ हुए थे, मतलब बनाए गए थे वार लड़ने के लिए, वही ये बंकर है। और बहुत सी जगह पे बंकर्स बने हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि चाइना ने तो दिरांग तक कब्जा कर लिया था। तो ये आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि ये चाइना के ही बनाए हुए बंकर हैं या क्या है सीन, कुछ तो होगा। तो माधुरी लेक जाने का जो रास्ता है वो आपको यही मिलेगा रास्ता ऑफ रोडिंग, और करीब 13 किलोमीटर की ऑफ रोडिंग होगी आपको अगर माधुरी लेक जाना है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात ये है, माधुरी लेक का जो बोर्ड है वो कहीं नहीं लिखा है, सिर्फ बोर्ड लगा हुआ है संगेस्तर लेक का। तो संगेस्तर लेक को ही शायद माधुरी लेक बोला जाता है या क्या है सेकर, वो वहाँ पे पहुँच के ही पता चलेगा। यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा, ओ बेटे इधर साइड में तो बहुत ज़्यादा स्नो फॉल हुआ है भाई। ओहो, ड्राइव स्लोली स्लोली ही ड्राइव करेंगे भाई, वरना यहाँ फास्ट ड्राइव करेंगे तो कहाँ जाएंगे हैं। ये जो नीचे आप लोग देख रहे हो, यही शायद माधुरी लेक है, और इसी को देखने हम लोग जा रहे हैं। पता नहीं क्यों जा रहे हैं, सुबह से लेक ही देख रहे हैं, लेकिन तब भी ऐसा लग रहा है कि क्या ही देख रहे हैं, माधुरी लेक तब भी एक्सप्लोर करना जरूरी था क्या, पता नहीं। तो हम लोग पहुंच चुके हैं अभी संगेस्टर लेक, और संगेस्टर लेक को ही माधुरी लेक का नाम दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे एक कोयला मूवी की शूटिंग हुई थी, तो इसीलिए इसको एक माधुरी पॉइंट भी बनाया गया है, जहाँ पे शायद कुछ कोई भी सीक्वेंस शूट हुआ था। तो अभी इतना तो ध्यान नहीं है कि कौन सा सीक्वेंस शूट हुआ था, लेकिन हाँ माधुरी लेक का पॉइंट है, माधुरी लेक इसको नाम दिया गया है। तो यहाँ पे माधुरी पॉइंट भी बनाया गया है, जहाँ पे माधुरी दीक्षित इन्होंने परफॉर्म किया था यहाँ पे। और मेरे पीछे आप देख सकते हो इस हिसाब से कि संगेस्टर लेक को इस तरीके से मतलब डेकोरेट किया गया है, बनाया गया है, ताकि अगर बच्चे वगैरह भी आते हैं तो भी यहाँ पे पार्क वगैरह है, सब कुछ है, एवरीथिंग। आप मेरे पीछे आप कैंटीन देख सकते हैं, ये मिलिट्री कैंटीन भी है, और यहाँ पे सब लोग आके खाना पीना खा के अपने मज़े कर सकते हैं। मतलब एक अरुणाचल के लिए बहुत ही टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट है ये। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा पार्क भी बनाया गया है, और यहाँ पे कैंटीन भी है। मेन जो संगेस्टर लेक है आप इसको देख सकते हैं, ये एक बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे, एक देख सकते हैं ये है, एट द संगेस्टर लेक विद द नेचर द इंडियन आर्मी प्राउड टू बी एन इंडियन, रियली आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। और ये एक लेक है, आधी लेक फ्रोजन है और आधा अभी मतलब पानी भी चल रहा है। तो और इधर साइड में अगर आप, मैं आपको दिखाऊं, तो
यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है, ये माधुरी पॉइंट, सिर्फ छोटा सा बोर्ड लगा हुआ है और कुछ भी नहीं है। करीब 50 ईयर्स या 60 ईयर्स, आई डोंट नो द एग्जैक्ट ईयर्स, लो अर्थक्वेक आया था, तो यहाँ पे पीछे जो पहाड़, यहाँ से जितने भी पेड़ और पहाड़ सब था, वो गिरा था यहाँ पे नीचे, और इसीलिए सब गड्ढा हुआ। गड्ढा हुआ तो पानी भरा तो लेक बन गया, बस यही है और कुछ भी नहीं है। तो अभी यहाँ से निकलते हैं, चाय नाश्ता वगैरह कर लिया है, अब यहाँ से निकलते हैं और सीधे पहुँचते हैं अपने तवांग। तो अच्छा, मैं ये पूछ रहा था कि अभी आपको 2 साल यहाँ पे हो गया, अच्छा बर्फ कितनी इतनी ऊपर आ जाती है? 3-3, 4-4 फीट लगभग, 3-4 फीट आ जाता है दीवारों पे, 6-6, 7-7 फीट के आसपास इसके ऊपर, साइड में भी। अच्छा, सर्वाइवल ऐसे ही होता है भाई। और इंडियन आर्मी, हम लोग जैसे भी घूम रहे देख रहे हैं, वाकई में जो भी स्टोरीज़ वगैरह सुनने को मिलती हैं, जो भी 1962 अभी बुमला पास होके आए, रियली सर प्राउड टू बी इंडियन, थैंक यू। तो निकल चुके हैं माधुरी लेक से, माधुरी नहीं बोलेंगे, निकल चुके हैं संगस्टर लेक से, और अभी यहाँ से तो तवांग की जो डिस्टेंस है वो है करीब 42 किलोमीटर, और जिसमें कि करीब 10 से 12 किलोमीटर जो है ऑफ रोडिंग है विद ब्लैक आइस। हालत ख़राब होने वाली है, अब यहाँ से देखते हैं कि कैसे पहुँचना होगा। ओ तेरी, सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि यहाँ से पहुँचना है लेक ऑफ फ्रोजन वाटरफॉल। कितनी सुंदर लग रही है यार, कितनी सुंदर लग रहा है भाई वाटरफॉल। तो ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये है संगेश्वर लेक उर्फ माधुरी लेक। वहाँ से हम लोग थोड़ा सा ऊपर चढ़ के आए थे, और हमें दिखा क्या है, हमें दिखा है एक बहुत ही खूबसूरत सा प्लेस, एक झरना जो कि जम चुका है अभी, मतलब फ्रोजन वाटरफॉल बोल सकते हो। बहुत ही गजब का सीन आ रहा है यार, बहुत ही गजब का सीन, ऐसा कहीं नहीं देखा होगा। तो ये आप लोग देख सकते हो, बिल्कुल फ्रोजन लेक है, और गजब का सीन आ रहा है यार, बिल्कुल गजब का। और यहीं से जो ये पानी बह रहा है, यहाँ से बहता हुआ और यहाँ से नीचे जाता हुआ, ये रहा, इधर देखो, ओ भाई, और यही जो पानी पिघल के जा रहा है नीचे, और ये सीधा डायरेक्ट जा रहा है संगेस्टर लेक। क्या गजब का सीन है। तो बहुत ही अच्छा नज़ारा, और अभी नीचे दिखा देते हैं, ये है ब्लैक आइस, और हम लोगों ने बाइक खड़ी करी है वहाँ पे। ये देखो ना, ये देखो, ये देखो। ओ भाई, गजब सीन है भाई, मतलब जिसको भी नहीं भी आता ना, वो भी माइकल जैक्सन बन सकता है इधर। और सबसे मेन टास्क ये है कि बाइक खड़ी है ब्लैक आइस के ऊपर, और यहाँ से निकालना, ये देखो देखो देख, यही गंदे काम होते हैं, यही करता रहता है बस। पत्थर फेंका मैंने यार। पानी से ही पत्थर। अच्छा ये बताओ, अच्छा ये बताओ, ये कोई, ये जो मतलब सुंदरता है, इसका कोई बखान नहीं है? इसका कोई बखान है? नहीं है, कोई बखान नहीं। मैंने फर्स्ट टाइम देखा है हाफ फ्रोजन वाटरफॉल। वही मेरा दिली इच्छा है, मैं कम्प्लीटली फ्रोजन वाटरफॉल देखूं, और वो भी जल्द पूरा होगा। होगा, वो भी होगा। और एक सबसे बड़ा टास्क ये है कि बैटरी डाउन, बैटरी जा रही है, बैटरी और हमारी एनर्जी दोनों डाउन हो रही है, जल्दी और जल्दी यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि 2-2.5 घंटे लगेंगे आराम से पहुँचने में। सीधा मिलते हैं आप लोगों को गोपरे में, ठंडक है भाई। The next day. क्या बताऊँ, कैसे बताऊँ और किस तरीके से बताऊँ, मतलब गोपरों से आई एम वेरी अनसेटिस्फाइड बिकॉज ऑफ फ्लो टेम्परेचर। लाइक जैसे कल मैं गया था सेला पास पे भी, मैं गया लास्ट की लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा, सेला पास पे भी वो बंद हो रहा है। फिर उसके बाद में कल हम लोग बुमला पास गए थे, बुमला पास से माधुरी लेक गए, माधुरी लेक पे मतलब वापस आ रहे थे, तो आधी दूर पे ही वो बिल्कुल ऑन ही नहीं हो रहा है। मतलब अगर ऐसा, अगर मशीन होना चाहिए तो भाई वो तो फिर मोबाइल भी बेकार हो जाना चाहिए, अगर लो टेम्परेचर पे, तो ये कैमरा क्यों बेकार हो रहा है भाई। कल हम लोग जब माधुरी लेक से निकले, तो उसके बाद से कुछ गोप्रो की फुटेज है ही नहीं, क्योंकि वो ऑन ही नहीं हो रहा है, बल्कि फुल चार्ज बैटरी उसके अंदर पड़ी हुई है। गोप्रो 9 में ये सबसे ज़्यादा दिक्कत है, मुझे पता नहीं कि गोप्रो 10 में होगी या नहीं होगी, क्योंकि नया आया है अभी, पता नहीं, और गोप्रो 8 में भी शायद यही दिक्कत है। तो यार अभी सीन कुछ ऐसा है कि नेक्स्ट मॉर्निंग है, और कल का जो व्लॉग था, एक छोटा सा व्लॉग है,
माधुरी लेक का, बुमला पास से माधुरी लेक और माधुरी लेक से अभी तक का एक कल छोटा सा व्लॉग है। ठंडक बहुत ज़्यादा है अभी। कल हम लोग जब माधुरी लेक से आ रहे थे तो भाई -6 का टेम्परेचर था यार, हालत ख़राब हो गई थी। रात में हम लोग माइनस टेम्परेचर से आए थे, बिल्कुल खाना वाना खा के ऐसा सोए हैं कि क्या ही बताया जाए। अब आगे और आज इस व्लॉग को करते हैं एंड। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ हिट द लाइक शेयर और कमेंट, और चैनल पर आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, सब कुछ कर लेना, तभी मज़ा आएगा वरना नहीं आएगा। दूसरी चीज़ कि अगर फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ फॉलो कर लो, वहाँ पर भी मज़े आएंगे। करंट सिचुएशन पता चलेगी, करंट लोकेशन पता चलेगी आप लोगों को, तो प्लीज़ फॉलो कर लेना। और बाकी अब यहाँ से इस ब्लॉग को करते हैं एंड। आप लोगों को मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, दो वेलकम, सलाम, सस्ती अकाल, बाय बाय।